डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अथर आमिरुल शफी खान हमारे साथ मौजूद हैं। 18 सितंबर को पहला फेज है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की बात करें तो कुलगाम ज़िले में तीन ऐसे सेगमेंट्स हैं, असेंबली सेगमेंट्स, जिसमें दिवसर, डीएचपुरा और कुलगाम काबिल जिक्र है। क्या प्रिपरेशन चल रही हैं और माजी में जिस तरह से एक अच्छा खासा वोटर टर्नआउट जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में देखने को मिला, इस बार क्या तैयारियां चल रही हैं? सर खैर मकदम है, ये बताइए कि पार्लियामेंट में भी अच्छा खासा वोटर टर्नआउट रहा, इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मैसेज फ्लोट करने की कोशिश करेगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस? इस बार एक तो सबसे पहले हमारी उम्मीद यही है कि वील ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स और हर कोई वोटर जो एलिजिबल है वो 18 तारीख को ज़रूर अपने घर से निकल के अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पे जाएगा और वोट कास्ट करेगा। यही मैसेज हमारी पूरी स्वीप की एक्सरसाइजेज जो हम लोग इतने ऑलमोस्ट महीने 1.5 महीने से भी चल रही थी उसके ज़रिए भी सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है और आपके माध्यम से भी इस मीडियम के ज़रिए भी यही मैसेज सब तक है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ही अहम पावर होता है। सरकार इसी वोट से बनती है, इसी वोट से गिरती है ना, फ्यूचर, दिस इज़ फॉर फ्यूचर। और सभी हमारे वोटर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर 18 तारीख को जो है अपने पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डालें। जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है, हमने पूरे ज़िले में जितने भी अरेंजमेंट्स, जिस तरह के अरेंजमेंट्स हमें करने थे वो सारे अरेंजमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से किए गए हैं। पूरे ज़िले भर में मुझे लगता है अभी तक जो कैंपेन पीरियड चल रहा था इसमें भी बड़ा ही एक्टिव पार्टिसिपेशन था। मुझे लगता है कि जितने रैलीज, जितने पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे ज़िले में हुई है, हमने लगभग 597 परमिशन इशू किए हैं सभी जितने भी कैंडिडेट्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थे, जिन्होंने भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग लगभग 600 के आसपास परमिशन करना। कुलगाम बहुत बड़ा ज़िला नहीं है, छोटे ज़िले में इतना पॉलिटिकल एक्टिविटी भी होना, दिस ऑल्सो शोज हाउ मच एंथुजियाज्म देयर इज इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो इन कैंडिडेट्स एंड इन द जनरल पब्लिक। बाकी जितना हमारा अमला है दे आर वेल ट्रेन, सबको बहुत मल्टीपल ट्रेनिंग्स दी गई हैं कि उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी ईवीएम्स दे आर ऑलरेडी कमीशन, कल डिस्पैच का डे है, सो तीन हमारे डिस्पैच रसीद सेंटर्स हैं, एक डिग्री कॉलेज कुलगाम में, डिग्री कॉलेज केलम में दिवसर के लिए और डिग्री कॉलेज डीएचपुरा के लिए, सो वहाँ पर भी पूरी तैयारी की गई है। हमारा ट्रांसपोर्ट, जितनी गाड़ियाँ आनी थी वो सब चीज़ें दे आर एब्सोल्युटली इन ऑर्डर। हमने सीसीटीवीज वगैरह अब हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स में, काउंटिंग सेंटर्स में वो सब इंस्टॉल किए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम पे भी हमने की थी और इस बार भी कर रहे हैं कि 100% पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग, कि सभी जगहों पे वेबकैम कैमरा अंदर लगाया जा रहा है कि लाइव उसका आता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंट्रोल रूम्स, हमारे जो एसी लेवल कंट्रोल रूम्स प्लस ईसीआई के कंट्रोल रूम में भी वो पूरा एक्सेस रहता है, उसमें कंटिन्यूसली मॉनिटर भी होता है कि क्या इलेक्शन कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस एंड वी आर वेरी श्योर कि एक जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन में भी एवरीबडी अप्रिशिएटेड कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ इलेक्शन पूरे ज़िले में हो, वी आर वेरी श्योर एंड वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस टाइम एट लास्ट वन मैसेज फॉर द पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, ताकि 18 सितंबर में लार्ज पार्टिसिपेशन और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहूलियात का भी फायदा उठाएं। सहूलियात के बारे में पहले कि सभी पोलिंग स्टेशंस में हमारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं, जिनमें पीने का पानी, जिनमें टॉयलेट की अवेलेबिलिटी, रैंप की अवेलेबिलिटी, व्हीलचेयर की अवेलेबिलिटी, ये सारी सुविधाएं सभी पोलिंग स्टेशंस पे इंश्योर की गई हैं। अब की बार हमारी हर किसी पोलिंग स्टेशन पे व्हीलचेयर भी आपको मिलेगी, जो स्पेशल पीडब्ल्यूडी पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें एक से ज़्यादा व्हीलचेयर्स की अवेलेबल होंगी। इसी के साथ हमने कोशिश की है काफ़ी जगहों पर जो शेड का भी बंदोबस्त हो, एक डायरेक्शन हमने सभी को आपकी बार दी है कि जब जो लाइन होती है, क्यू होती है, तो इस क्यू में कुर्सियां भी बीच बीच में रहें ताकि अगर कोई बुजुर्ग है या किसी को, कोई लेडी है जिसको थोड़ी देर रेस्ट करना पड़े तो वो कम से कम कंफर्टेबली रेस्ट करें। तो सभी फैसिलिटीज़ आर इन प्लेस। अब 18 तारीख मैसेज यही है, 18 तारीख के दिन सब काम छोड़ के सबसे पहले अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पर वोट ज़रूर डालना है। बहुत बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अथर आमिरुल शफी खान, और इन्होंने कहा कि जो ईसीआई की तैयारियां हैं या ज़िला इलेक्शन ऑफिस की तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं और आने वाले वक्त में जो है 18 सितंबर को खुलकर लोगों को सामने आना चाहिए, अपने हक की राय का इस्तेमाल करना चाहिए और जमहूरी अमल में उनकी शिरकत यकीनी बने, उसके लिए पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।